बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। और अब बात देवभूमि की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर हैं, जहां सीएम धामी ने सबसे पहले अपने गुरु राज राजेश्वरानंद से मुलाकात करने उनके आश्रम में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो आज हरिद्वार में व्यापारियों के साथ महासंपर्क अभियान में शिरकत करने हरिद्वार पहुंचे हैं। हमारी तरफ से आज व्यापारी वर्ग को भारतीय जनता पार्टी सरकार 9 साल के कार्यकाल के कार्यों को बताया कि किस तरह मोदी सरकार हर वर्ग के लिए 9 सालों में क्या कुछ कार्य किया। कालखंड पूरा हुआ है और इस 9 साल के कालखंड में हर वर्ग के लिए, हर समाज के लिए, हर क्षेत्र के लिए उन्होंने अनेकों ऐसे काम किए हैं जिनसे सबके जीवन में बदलाव आया है। लोगों के अंदर एक नई कार्य संस्कृति, नया कार्य व्यवहार पूरे देश के अंदर आया है। गरीब कल्याण की योजनाएं चली हैं, व्यापारी कल्याण की योजनाएं चली हैं, विकास के अनेकों काम शुरू हुए हैं। भारत का मान सम्मान और पहचान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ी है, वैश्विक पहचान बढ़ी है। उसी संबंध में हम लोग हर वर्ग के बीच में जा रहे हैं और यहाँ भी आज व्यापारी भाइयों के बीच में अपना संवाद करेंगे, अपनी बात रखेंगे और उनकी बात सुनेंगे। कांवड़ मेला हमारे लिए बहुत महत्व का मेला है। पिछली बार से हमने इसकी जो शुरुआत की थी कि जो यहाँ पर जिले के संसाधनों के अलावा प्रदेश से भी जो है मेले के लिए और संसाधन जुटाए जाएं, उसके लिए राज्य सेक्टर से भी हमने व्यवस्था करी थी और कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न हुई थी, जबकि बड़ी ऐतिहासिक कांवड़ यात्रा थी। 2 सालों के बाद यात्रा हुई थी, इस बार भी यात्रा ऐतिहासिक होगी। हम सभी कांवड़ शिव भक्तों का यहाँ स्वागत करेंगे। देवभूमि में जिस प्रकार से चारधाम यात्रा चल रही है, पूरी चारधाम यात्रा आज पूरे अपने जोश के साथ भक्तों का एक उमंग उत्साह, लगातार बर्फबारी के कारण बरसात के बाद भी कम नहीं हो रहा है, तो जहाँ चारधाम यात्रा अच्छी चल रही है वहीं कांवड़ यात्रा भी अच्छी चलेगी। क्या तैयारी है उपचुनाव? अब चुनाव जब आएगा तो तैयारी हमारी पूरी है। तो उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे लव जिहाद के मामलों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सख्त एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने मीडिया से बातचीत करते हुए दो टूक कहा कि अगर कोई भी लव जिहाद जैसे मामलों में संलिप्त पाया जाता है तो सख्ती से कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सत्यापन अभियान भी तेजी से चलाया जा रहा है। सीएम धामी ने आगे कहा कि लव जिहाद को लेकर आज पुलिस विभाग के वरिष्ठ आलाधिकारियों के साथ बैठक भी की। तो वही बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने धर्मांतरण कानून लागू होने के बाद लव जिहाद के सामने आए आंकड़े भी मांगे हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने पुलिस के आलाधिकारियों को सख्त और ठोस तरह से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि बैठक में DGP, ADG, LO, ACS समेत अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सीएम धामी ने पुलिस अधिकारियों से फीडबैक भी लिया। देखिए, जो डेमोग्राफी चेंज हुई है और जो भी इस प्रकार के असंदिग्ध लोग और जो कहीं ना कहीं किसी प्रकार से संदेह पैदा करते हैं, उनके लिए यहाँ पर वेरिफिकेशन ड्राइव तेजी से चलाई जा रही है। एक बार चलाई गई थी, फिर से दोबारा चलाई जा रही है और सारे वेरिफिकेशन किए जा रहे हैं। कोई भी अगर संदिग्ध पाया जाता है, संदेह जिसके ऊपर होता है, तो उसकी पूरी जांच होगी और जांच में कहीं भी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई भी होगी। इसी प्रकार से जो लव जिहाद के जो मामले आए हैं उस पर भी हमने सख्ती से जो है उसकी जांच, सख्ती से उस पर कार्रवाई, इसके लिए पहले ही कहा है और आज इस पर हम एक बड़ी बैठक भी DGP पुलिस उनके सबके साथ करने वाले हैं। पूर्व मुख्य
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताने पर अब पूरे प्रदेश में विरोध शुरू हो गया है। उनके इस बयान से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है, तो वहीं हल्द्वानी और रामनगर में कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का पुतला दहन किया। उन्होंने मांग की है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत तत्काल अपना बयान वापस देते हुए देशवासियों से माफी मांगे। नहीं, देखिए कोई भी देशवासी उनके विचारों से सहमत नहीं। अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग है और महात्मा गांधी के हत्यारे को देशभक्त बनाना सबसे बड़ा देशद्रोह है। उनके खिलाफ देशद्रोह की सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनको अपना बयान वापस लेना चाहिए और पूरे देश से और पूरे उत्तराखंड वासियों से क्षमा मांगनी चाहिए। और वाकई में इतना गैर जिम्मेदाराना बयान ऐसे व्यक्ति से जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और भाजपा का चाल चरित्र चेहरा उजागर करता है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कल जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहा है। हम उसकी निंदा करते हैं, विरोध करते हैं, इसीलिए आज हमने उसका पुतला दहन किया है। पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस कर रही है, बल्कि देश भर में कर रही है। हमारे संविधान में एक न्यायिक व्यवस्था है जिसके तहत अपराधियों पर मुकदमे चलाए जाते हैं। उसी तरह नाथूराम गोडसे पे भी कोर्ट में मुकदमा चला, कोर्ट ने उनको दोषी पाया और फांसी की सजा दी। तो वही प्रदेश में नदियों के किनारे हो रहे अतिक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं। अतिक्रमण एक गंभीर विषय है और इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा कि नदियों के किनारे सालों से रह रहे लोगों के नियमितीकरण के लिए कैबिनेट में एक समिति का गठन किया गया है, लेकिन सरकार उनको लेकर बहुत ज्यादा गंभीर है। जिन्होंने किसी प्रतीक जैसे मंदिर या मस्जिद के रूप में सरकारी जमीनों पर कब्जा किया हुआ है, उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने जबरन कब्जे किए हुए हैं वो खुद ही अपने कब्जों को हटा लें, वरना उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और सरकार उन अवैध कब्जों को हटाकर ही मानेगी। देखिए, ये अतिक्रमण बहुत गंभीर विषय है और इस पर कुछ लोगों ने भ्रम फैलाने की भी कोशिश की है। हमने बार बार ये बात कही है कि जो लोग लंबे समय से 50 सालों से 100 सालों से जो काबिज हैं, पुरानी जो बसावटें हैं या गोट हैं, खत्ते हैं, वन भूमि पर लंबे समय से काबिज हैं, उनको हमने कहा है कि उनका नियमितीकरण करने के लिए, उनको नियमित करने के लिए, उनका पक्का करने के लिए हमने कैबिनेट की एक सब कमेटी बनाई है। लेकिन जिनके कारण से ये सब डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, जिसके कारण से कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है और सरकारी भूमि पर जिन्होंने प्रतीक स्थल के नाम पर जमीनों को कब्जाने का जो एक खेल शुरू किया हुआ है वो नहीं चलेगा। और उसके लिए हमने पहले भी कहा कि जो लोग इस प्रकार की चीज़ों को जिन्होंने किया है वो स्वतः ही उसको समाप्त कर लें, अन्यथा हम जो है प्रशासन जो है विधिक रूप से उन पर कार्रवाई जो चल रही है वो चलती रहेगी। देहरादून के सचिवालय में कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग की पहली समीक्षा बैठक हुई। बैठक में सीएम धामी ने वर्चुअल माध्यम से कई मुद्दों पर अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में सीएम धामी ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए टॉस फ्री नंबर को भी सभी कार्यालयों में लगाने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। साथ ही सीएम ने जनपद स्तर में विवेचना से संबंधित सभी मामलों को अभियान चलाकर 3 महीने के अंदर निपटाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही जिलों में बहुउद्देशीय शिविर लगाने के भी आदेश दिए। सीएम ने कहा कि जिलाधिकारी नियमित ग्राम सभा चौपालों में जाएं और अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों को भी भेजें। इसके अलावा कई मुद्दों को लेकर सीएम ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। तो उत्तराखंड में राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करने के लिए जल्द ही गांव गांव में रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। जल्द ही रथ यात्रा की तारीख भी घोषित की जाएगी। रथ यात्रा के माध्यम से राष्ट्रीय लोकदल पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। रुड़की में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान
राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश प्रभारी चौधरी नीरपाल सिंह और प्रदेश अध्यक्ष चौधरी हर्ष भान ने बड़ी बेबाकी के साथ कहा कि सबसे पहले उत्तराखंड में राष्ट्रीय लोकदल के संगठन को मजबूत किया जाएगा, जिसमें किसानों और व्यापारियों के साथ साथ सभी वर्गों के लोगों को जोड़ा जाएगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। राष्ट्रीय लोकदल उत्तराखंड का भविष्य है, नल ही सबका हल है। राष्ट्रीय लोकदल तीसरे विकल्प के रूप में बहुत तेजी से उत्तराखंड में उभर के आगे आ रहा है, जिससे कांग्रेस और बीजेपी दोनों बौखलाए हुए हैं। लोकसभा की तैयारी है लोकदल की? हाँ, हम लोकसभा की पांचों सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन होगा वो तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की है, अब वो कहेंगे तो होगा, नहीं कहेंगे तो नहीं होगा। जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका ध्यान उत्तराखंड पर क्यों नहीं रहा, क्यों नहीं संगठन को मजबूत कर पाया? नहीं, अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, जब से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तब से बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। उत्तराखंड का मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, मैं भी यहाँ पर लगा हुआ हूँ, रात दिन मेहनत कर रहा हूँ। तो अब जब से जयंत चौधरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तब से आप पार्टी के हालात देखो कितनी आगे बढ़ गई, कितनी तेजी से चल रही है। सभी वर्गों का साथ मिल रहा है? हाँ, हमें सब वर्गों का साथ मिल रहा है, सभी वर्ग हमारे साथ है। किसान मजदूर व्यापारी सब लोग हमारे साथ। जल्दी जिलाध्यक्ष, हम 7 जिलाध्यक्ष तो बना चुके, 6 बचे हैं, उनको बना देंगे बहुत जल्दी। संगठन को बड़े पैमाने पर खड़ा किया? हाँ, बहुत। हम 30 तारीख तक सबकी घोषणाएं एक साथ करेंगे। पार्टी धरातल पर नजर आएगी? हाँ बिल्कुल आएगी, हम तो गली मोहल्ले तक नजर आएंगे, हम हर बूथ, एक यूथ एक बूथ तक पहुंचेंगे। तो वही हरिद्वार के चखेरी गांव में निरस्त भूमि पट्टों पर अतिक्रमण किया गया, जिस पर ग्रामीणों ने एसडीएम को मामले में शिकायत दी थी। तो वही मामले में संज्ञान लेते हुए एसडीएम ने भूमि के पट्टों को कब्जा मुक्त कराने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया है। दरअसल गांव में कुछ भूमि के पट्टे आवंटित किए गए थे, जो वर्तमान में राजकीय स्तर पर निरस्त किए जा चुके हैं, मगर स्थानीय ग्रामीणों द्वारा उस पर अतिक्रमण की शिकायत करते हुए निरस्त पट्टों को कब्जा मुक्त कराए जाने की मांग की, जिस पर एसडीएम ने कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को जल्द ही हटाने की बात की है। ग्राम चखेरी बांध में कुछ पट्टे आवंटन हुए थे, वो पट्टे वर्तमान में कुछ निरस्त हो चुके हैं, तो ग्रामीणों का ये था कि जो पट्टे निरस्त हो गए उनको कब्जा मुक्त कराया जाए, इसके लिए एक टीम गठित की जा रही है और एक सप्ताह के अंतर्गत उस भूमि को जिसमें पट्टे निरस्त हुए उसको कब्जा मुक्त कराया जाएगा। तो वही हरिद्वार के रोशनाबाद में आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर राजीव वर्मा ने स्वास्थ्य को लेकर की जा रही नई सुविधाओं पर जानकारी दी। डॉक्टर राजीव वर्मा ने बताया कि विभाग की ओर से स्वास्थ्य को लेकर कई तरह की सेवाएं शुरू की गई हैं, जिनमें हेल्थ एंड वेलनेस के लिए क्लास शुरू की जा रही है, जिसमें योग के माध्यम से लोगों को रोगों के उपचार के बारे में बताया जाएगा। इसके साथ ही विभाग की ओर से निःशुल्क जांच की भी व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। अभी हमने 12 अस्पताल को अपने जनपद में हरिद्वार में अपग्रेड किया है, उनको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की तरफ बढ़ाया है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का मतलब कि एक तो भी इलनेस होता है, इलनेस में जिसमें आदमी बीमार हो गया उसका इलाज कराया जाता है, लेकिन वेलनेस में कि आदमी बीमारी ना हो, हम बीमार होने से उसको कैसे बचा सकते हैं, कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, तो इसके लिए योगा हमने वहाँ शुरू किया है 12 अस्पताल में। वहाँ योगा इंस्ट्रक्टर है, एक मेल एक फीमेल, जो सुबह 1 घंटा डेली क्लासेस लेते हैं, जो भी गांव वाले आते हैं उनको बताते हैं कि आपको स्वस्थ कैसे रहना है। AISSC यानी ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल ने प्रेस वार्ता करते हुए वक्फ बोर्ड पर भड़क पड़ा। इस दौरान काउंसिल के कई अधिकारी मौजूद रहे, उन्होंने वक्फ बोर्ड की जगह सरकार से दरगाह एक्ट बनाने की मांग की। तो वही अली इजाज साबरी ने बताया कि काउंसिल की तरफ से 10 जून को
सर्वधर्म संभाव का संदेश देने के लिए पैगामे हिंद प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश के तमाम धर्म गुरु उपस्थित रहेंगे, साथ ही एकता अखंडता का संदेश भी देंगे। का और AISSC का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं और उसकी कोर कमेटी का सदस्य हूं, ये मेरा परिचय है। चर्चा हमारी यही है ही है और AISSC का सबसे बड़ा मोटो जो है वो यही है कि दरगाहों को जो एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, वक्फ बोर्ड नाम का एक विलन जो बैठा लिया गया है, इस विलन को डिमोलिश कैसे किया जाए और दरगाहों की जो फंक्शनिंग है जिसमें हडल आ रहा है वक्फ बोर्ड की वजह से, उस फंक्शनिंग को आगे कैसे ले जाया जाए, हमारा मेन एजेंडा यही है। आज का कल की जो मीटिंग होगी उसमें मेन एजेंडा, इससे पहले भी जितनी मीटिंग्स हमारी हुई हैं और जो हमने गवर्नमेंट से इंटरेक्शंस किए हैं उनमें हमारा एजेंडा यही है कि जो दरगाहों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, हिट किया जा रहा है, उनको अपना फंक्शन स्मूथली नहीं करने दिया जा रहा है। सरकार ने एक विलन कुछ चंद हमारे मुखालिफ उलमा के ज़रिए हमारे ऊपर जो है जो बैठाल रखा है उसको तुरंत अबॉलिश किया जाए और दरगाह एक्ट बना करके और दरगाहों के तमाम हुकूक और तमाम राइट्स का, सज्जादनशीन के राइट का, जो खुद्दाम है उनके राइट का, वो तहफ़ किया जाए। तो ये तो हमारी डिमांड जो है बहुत शुरू से है और आज भी हम स्ट्रांगली डिमांड करते हैं सरकार से। एक जो गंगा जमनी तहजीब है, जो हमारी हरिद्वार से गंगा जी हमारी पवित्र जो बह के निकल रही है और करियर में हुजूर साबिर पाक के ज़ाहरीन उसमें वजू करके दरबार में हाजिरी दे रहे हैं और नमाज़ पढ़ रहे हैं, जो एक गंगा जमनी तहजीब है जिसका मेन उदाहरण कलियर शरीफ और हरिद्वार का आसपास होना मौजूद है यहाँ पर देवभूमि उत्तराखंड के अंदर। और जब कांवड़ यात्रा हरिद्वार से के लिए गुजरती है तो हम कलियर शरीफ में उसका बाकायदा तौर पर इस्तकबाल भी करते हैं हर साल। तो हम प्यार मोहब्बत का पैगाम जो हमेशा देते आए हैं कलियर शरीफ दरगाह से और हमारी तमाम खानकाहों से, तो वही पैगाम और ज़्यादा आम करने की कोशिश हमने करी है। तमाम धर्म गुरुओं को बुलाकर, पंडित आचार्य रजनीश जी हमारे रुड़की से हैं, हमारे सिख कम्युनिटी से सरदार चंदोक सिंह साहब रुड़की से हैं, हमारे हबीबुर रहमान नियाजी साहब जयपुर से, नैयर मियाँ साहब अयोध्या दरगाह शेखुल आलम के सज्जादा नशीन हैं, तो तमाम हमने लोगों को एक इस हिंदुस्तान जो एक फूलों का गुलदस्ता है, इसे गुलदस्ते को सजाने की कोशिश की है और इंशाल्लाह ताला एक पॉजिटिव पैगाम अपने बिलखसूस अपने सूबे उत्तराखंड में देने की हमारी मुहिम है। उत्तराखंड में काशीपुर और डोईवाला के निकट दो नए शहर बसाए जाएंगे, जिसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से प्रारंभिक मंजूरी मिल चुकी है। अब जल्द ही इन दोनों स्थानों पर केंद्र की टीम निरीक्षण करने के लिए उत्तराखंड आएगी। बता दें कि आवास विभाग प्रदेश में 8 नए शहरों को बसाने की योजना पर काम कर रहा है, जिस पर राज्य ने इन शहरों का 1,100 करोड़ का प्रस्ताव मंत्रालय को भेजा था। तो वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कोर्ट परिसर में कुख्यात संजीव जीवा हत्याकांड के बाद उपजी अधिवक्ताओं की सुरक्षा पर खतरे को लेकर अब जगह जगह न्यायालयों में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में हरिद्वार के न्यायिक परिसर में एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास पवार ने समस्त स्थानीय अधिवक्ताओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन से इसकी व्यवस्था को ठीक करने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि न्यायालय परिसर में मेटल डिटेक्टर अनिवार्य रूप से सक्रिय होना चाहिए। देखिए, मैं एडवोकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष होने के नाते मेरा एक दायित्व भी है, जिम्मेदारी भी है, ये बताना कि यहाँ लक्सर में पहले भी 2 बार हथियार बरामद हो चुके हैं और तब भी प्रशासन ने इसमें सबक नहीं लिया है। और वहाँ पर लखनऊ कोर्ट में परिसर में अभी जो हत्या हुई है वो भी एक उसे देखते हुए भी यहाँ पर अभी तक प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया है। और मेरा कहना यह है कि यहाँ लक्सर कोर्ट परिसर में ना तो मेटल डिटेक्टर है, मेटल डिटेक्टर भी होना चाहिए जिससे कि पता लग सके कभी कोई हथियार गैर कानूनी हथियार तो नहीं लेके आ रहा है, कोई गलत व्यक्ति तो नहीं प्रवेश कर रहा है। तो वही दक्षिण भारत के अभिनेता प्रभास की फिल्म आदिपुरुष 16 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। फिल्म को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए फिल्म को अलग अलग भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। इसके साथ ही फिल्म मेकर्स ने ऐलान किया है कि वो फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान देश भर के सिनेमाघरों में एक सीट हनुमान जी के लिए रिजर्व रखेंगे, जिस पर कोई भी ना बैठ सके। इस फैसले का
स्वागत संत समाज कर रहा है। साथ ही साधु संत समाज ने बॉलीवुड को भी इनसे सीख लेने की बात कही है। तो वह अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी का कहना है कि आज तक कभी ऐसा देखने को नहीं मिला है कि किसी फिल्म मेकर ने इस तरह का फैसला लिया हो। ऐसा जो फिल्म मेकर प्रथम बार हमें सुनने में आया है, देखने में आया है, हमारी भी इतनी एज हुई, हमने आज तक इतनी फिल्में देखी है, किसी मेकर ने ऐसी फिल्म नहीं बनाई कि हाल में एक सीट हनुमान जी के लिए रखी जाएगी। हमारे कथा प्रवचन जब होता है तब हनुमान जी को आसन दिया जाता है। तो मैं ऐसे साधु व्यक्ति को जो ये मेकर है, जो इसका ये डायरेक्टर है, मेरी ओर से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। साधु जो हमारा महिमा है उसको उन्होंने है जो इस फिल्म के माध्यम से है जो पूरे समाज में लाया कि जब भी रामायण होती है या भगवान की कथा होती है तो वहाँ है जो भगवान जरूर विराजते हैं, हनुमान जी जरूर विराजते हैं। इस आस्था को लेकर जो उन्होंने सभी सिनेमा घरों में एक जो सीट रखा है वो आस्था का केंद्र है, और इसी तरह से आगे भी है जो भी धार्मिक है जो फिल्में बने उसमें इस प्रकार की प्रथा बनाए रखें ताकि है जो भगवान का महिमा का गुणगान हो। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।